सब्सक्राइब कीजिए बाइक सर्विस चैनल को, हमारे वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए बेल आइकन दबाइए। थैंक यू वेरी मच। स्वागत है आप सभी के हमारे सजीर बाइक गुरु चैनल में आने के लिए धन्यवाद। दोस्तों, फिर लेकर आया हूँ TVS कंपनी का फोन एक बाइक है। इस बाइक का वायरिंग प्रॉब्लम हो चुकी है और काफ़ी सारे वायर जो है जल चुकी है, तो मैंने इसे जो कट छिड़के नया डाला है, वायर जोड़ लगा दिया और इसको ब्लैक टेप मार रहा हूँ क्योंकि लैमिनेशन करना ज़रूरी है पूरे वायर को। अगर एक भी जगह छूट गया तो आपका बॉडी हो जाएगा, फिर आपका क्या होगा, वायरिंग शॉर्ट हो जाएगा। इसमें वोल्ट रहता है 12 वोल्ट बैटरी से और थोड़ा इग्निशन लाइन रहता है और आपका लाइट कॉइल का इसमें वोल्ट रहता है, तो इसीलिए आपका बाइक का पूरा लैमिनेशन करना ज़रूरी है। बहुत कोई मैकेनिक है जो वायरिंग को छोड़ के भाग जाता है, ठीक है, लेकिन ये बुरी बात है। मैकेनिक का काम है उसको ठीक करना और अच्छी से पहचानना वायरिंग कैसे ठीक करता है। वायरिंग जो कोई भी मैकेनिक आता है नया नया चेंज कर देता है। अरे भाई, जब आप नया लगाओगे वो भी तो ख़राब हो जाएगा, फिर कितना नया लगाओगे। आपको तो कोशिश करना पड़ेगा, आप एक मैकेनिक है, आपको वायर का कलर चेंजना है, कौन सा कलर कौन सा चीज़ का है। और आप जब मैकेनिक है तो आपका काम बनता है हर कोई चीज़ को जानकारी करने के लिए। तो फ्रेंड्स, हमारे यहाँ काफ़ी सारे मैकेनिक भी आते हैं, हमसे वायर का काम कराते हैं और हमारा वायरिंग बन गया फ्रेंड्स। तो ये भी एक मैकेनिक का बाइक है, जैसे कि मुझे दिया है कि इस वायरिंग में प्रॉब्लम आ रहा था। प्रॉब्लम होता था जब आप सेल्फ मारता है इस बाइक पर तो आपका वायर जो है जलता है, धुआं निकलता है, बदबू आ रहा है। फिर उसने कोशिश किया लेकिन नहीं हुआ, फिर मुझे आके दिया कि देखो इस बाइक पे क्या प्रॉब्लम हो रहा है। फिर मैंने बोला कि इसका वायर प्रॉब्लम है, शॉर्ट सर्किट हो रहा है, तो पूरा वायर को खोलना पड़ेगा। अब मुझे देखना पड़ेगा कौन सा वायर कहाँ पर टार्चिंग खा रहा है। फिर जाके मैंने खोला, काफ़ी सारे चीज़ देखा, खोलने के बाद सबको मैंने ठीक किया। अब अपने अपने जगह पर लगा रहा हूँ, लेकिन घबराने का कोई ज़रूरत नहीं। ये जो कलर रहता है सेम कलर, अगर आप नए नए मैकेनिक हो तो आप भी कर सकते हैं, लेकिन अपने अंदर आपको साहस करना है, जैसे कि आपको यकीन करना है मैं ये कर सकता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो इंडिकेटर का कलर जो है इंडिकेटर में लगाइए, हेडलाइट का कलर जो है हेडलाइट में लगाइए, ब्रेक स्विच का वायर है ब्रेक स्विच में लगाइए, चाबी स्विच का है चाबी स्विच में लगाइए, रेगुलेटर का है रेगुलेटर में लगाइए, CDI का वायर है CDI में लगाइए। काफ़ी सारे सिस्टम रहते हैं, तो घबराना नहीं। आप ठंडा मिजाज से देखो कौन सा क्लिप कौन सा चीज़ का है, क्योंकि गलत लगाने से आपको नई तार घुसेगा तो आपको पता चल जाएगा ये यहाँ का चीज़ नहीं है। तो दोस्तों, मैं एक मैकेनिक हूँ और मेरा काम ही है बिगड़ी हुई चीज़ को ठीक करना। मैंने इस बाइक का काम करते करते मेरा उम्र आधा हो चुकी है, मेरा अभी उम्र है 35 साल और मैं 25 साल से काम कर रहा हूँ, तो थोड़ा बहुत मुझे जानकारी है वायर के काम के बारे में। वायर मैं कुछ बना सकते हूँ, जैसे कि CDI फंक्शन जो होता है मैं ये वायर बना सकता हूँ, रेगुलेटर भी बना सकता हूँ, रेगुलेटर कैसे करता है, मैग्नेट से जब डायरेक्ट वोल्ट आता है तो कितना आता है और उसमें कितना पास होता है। तो दोस्तों, काफ़ी सारे वोल्ट आता है मैग्नेट से एक्सीलेटर देने से, उसके बाद रेगुलेटर जो सिस्टम है उसे कंट्रोल करता है, ग्राउंड आता है और मेन आता है उसमें, जैसे कि ट्रांसफार्मर होता है, रेगुलेटर रेक्टिफायर, इसी से आपका वोल्ट को 12 कर देता है, फिर आपका कैपेसिटर काम करता है। और CDI का फुल फॉर्म क्या होता है, CDI का फुल फॉर्म होता है इग्निशन डिस्चार्ज
होता है इसका नाम। और दोस्तों इस बाइक में प्रॉब्लम हुआ था, जो आप सेल्फ देने से आपका जो वायर है जल जाता था, तो मैंने इसे ठीक कर दिया। और यह आपका पूरा क्लिप भी लग गया, पूरा सिस्टम लगा दिया, देखो सब सब जगह में बैठ गया, ठीक है। तो ऐसे वायरिंग फिट कीजिएगा जिसमें कि वायरिंग खोलने के बाद जितना भी वायर है आपको चेकअप करना पड़ेगा, कहीं कटा हुआ है या शॉर्ट करा हुआ है, तो उसको पहले ठीक कीजिए, उसके बाद आप ब्लैक टेप से लिपटा दीजिए, तब जाके आपका वायर फॉल्ड हो जाता है। इस बाइक में प्रॉब्लम हुआ था, जब सेल्फ दे रहा था उसका वायर जो है जल रहा था, धुआं निकल रहा था, तो मैंने पूरा लैमिनेशन करके आप सेल्फ भी का ठीक है, आप देख लीजिए पूरा डिस्प्ले पे लाइन आ गया। अब मैं सेल्फ मारूंगा, सेल्फ ले रहा है, कहीं भी जल नहीं है, आवाज़ नहीं है, सब ठीक है, कोई गर्म नहीं है। तो वायरिंग ऐसे बनता है, इसका काम पूरा कंप्लीट। अब मैं इसे फिट करूँगा।